एंड वेलकम टू सैपीज किचन। फ्रेंड्स, आज जो मैंने आपके लिए रेसिपी बनाई है वो सबके घर में अक्सर बनती है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, बट आज मैंने इस रेसिपी को थोड़ा सा ट्विस्ट दिया है, थोड़ा सा मेरे फॉर्म में बनाया है, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। ये है पनीर भुर्जी, जिसमें हमने थोड़े से एक्स्ट्रा इन्ग्रीडियंट्स डाले हैं, आप भी ट्राई कीजिए। आप देख सकते हैं ये बहुत ही टेस्टी लग रही है। भुर्जी बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो लगेगा वो नेचुरली पनीर है। ये मैंने 200 ग्राम पनीर ले लिया और इसे मैंने ग्रेट कर लिया है। आप देख सकते हैं इसको मैंने आधा ग्रेट किया है और आधा ऐसे हाथ से मैंने टुकड़े कर लिए थोड़े बड़े बड़े, ताकि जब हमारी पनीर भुर्जी बनेगी तो उसमें एक ऐसा ग्रैनुअल सा ऐसे दानेदार टेक्सचर आ जाएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। पनीर भुर्जी बनाने के लिए जो दूसरा सामान लगेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक मीडियम साइज का कैप्सिकम लिया है, शिमला मिर्ची जिसे मैंने बिल्कुल बारीक काटा हुआ है। यहाँ पे मेरे पास 2 से 3 छोटी हरी मिर्ची, इसे भी आप बारीक काट लीजिए। ये एक बड़ा साइज का टमाटर है, बारीक काट के रख लीजिए आप। ये एक बड़ा साइज का अनियन है यानी कि प्याज, इसे भी बिल्कुल बारीक काट लीजिए आप। और जो दूसरा सूखा मसाला लगेगा वो भी मैं आपको झटपट बता देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक आधा टीस्पून गरम मसाला है, ये आधा टीस्पून हल्दी है, ये 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी है, ये मेरे पास 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, ये है 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, ये नमक लेंगे जो हम स्वाद अनुसार डालेंगे, ये 1 टेबलस्पून मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कम से कम 15 काजू लिया है जिसे मैंने आधा घंटा भिगो लिया है। आप इसका भिगने के बाद इसका पेस्ट बना लीजिए। तो आइए देखते हैं हमारी पनीर भुर्जी कैसे बनती है। पहले हम एक कढ़ाई गरम कर लेंगे। उस कढ़ाई में हम 2 बड़े चम्मच तेल का डाल देंगे। अब हमारा तेल गरम हो चुका है तो हम सबसे पहले हमारा ये जो कटा हुआ प्याज है बारीक, इसे डाल देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं मेरा कांदा थोड़ा सा ट्रांसक्यूलेंट हो गया है और थोड़ा सा लालपन में आ गया है। अब इस स्टेज पे आके हम हमारा ये जो बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है इसे डाल देंगे। ये लगभग 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है और इसे भी हम अच्छे से प्याज में थोड़ा भून लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं मेरा अदरक लहसुन भी अच्छा सा भुन गया है, इसकी जो कच्चेपन की स्मेल है वो भी ख़त्म हो गई है। अब इस स्टेज पे आके हम हमारा जो टमाटर है इसे डाल देंगे। हमारा टमाटर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा यानी टेंडर हो जाएगा तो हम हमारा दूसरा सामान डाल देंगे, जैसे कि ये मेरे पास आधा चम्मच हल्दी है इसे डाल दीजिए, ये जो धनिया पाउडर है इसे डाल देंगे, ये जो मेरे पास लाल मिर्ची है इसे डाल देंगे, हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे, ये जो गरम मसाला है इसे डाल देंगे। सारा कुछ अच्छे से मिला लीजिए और फिर ढक्कन डाल के इसे 5 मिनट स्लो आंच पे पकने दीजिए। 5 मिनट के बाद आप ढक्कन हटा दीजिए और सारा मसाला आप देख सकते हैं अच्छे से भून गया है। अब हम इसमें हमारी ये जो बारीक कटी हुई हरी मिर्ची है इसे डाल देंगे। आप चाहिए तो हरी मिर्ची थोड़ी कम डाल सकते हैं। ये बारीक कटा हुआ शिमला मिर्ची है इसे डाल देंगे और इसे आप मिक्स करके फिर से 2 मिनट ढक के पका लीजिए। हमें शिमला मिर्ची को ज़्यादा नहीं कुक करना है क्योंकि शिमला मिर्ची का एक थोड़ा सा क्रंचीपन हमें चाहिए हमारी भुर्जी में। इस मसाले में हम हमारी ये जो ग्रेटेड पनीर है इसे डाल देंगे और बिल्कुल हल्के हाथ से आप इसे मिक्स कीजिए। 2 मिनट कुक होने के बाद हम इसमें हमारा ये जो थोड़ा डिफरेंट इंग्रेडिएंट मैंने यूज़ किया ये है काजू का पेस्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा पानी डाल के आप इसे थोड़ा थिन कंसिस्टेंसी में आप मिक्सी में मिक्स कर लीजिए और इस तरीके से अपनी पनीर भुर्जी में डाल दीजिए। और ये मैंने जो कसूरी मेथी लिया था इसे मैंने 30 से 40 सेकेंड्स माइक्रोवेव में थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था, उसके बाद उंगलियों की मदद से इसे थोड़ा पाउडर कर लिया था मैंने। ऐसा करने से हमारी कसूरी मेथी का और टेस्ट एनहेंस हो जाता है। आप इसे ज़रूरत के अनुसार आप यूज़ कर सकते हैं, आप ऐसे करके इसे स्टोर भी करके रख सकते हैं। अब इसे बिल्कुल हल्के हाथ से आप थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए
ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है कलर इसका। आप चाहे तो इस स्टेज पे आप अपना गैस बंद कर सकते हैं क्योंकि ये ऑलमोस्ट डन है, पर मैं इसे 2 मिनट और ढक के थोड़ा पका लूँगी ताकि सारा मसाला काजू पेस्ट वगैरह जो है सब अच्छे से असेंबल हो जाए हमारी भुर्जी में। ये देखिए हमारी पनीर भुर्जी बिल्कुल तैयार हो गई, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रही है। 2 मिनट के बाद आप अपना गैस बंद कर दीजिए और हम इसे हरे धनिए से थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे और हमारी भुर्जी बनके तैयार हो गई है। इसे आप पराठा, नान, चपाती किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। गेस्ट आए तो उनके लिए बहुत ही अच्छी एक साइड डिश बन सकती है। इसे ज़रूर बनाइएगा और सबको खिलाइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।